नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। इस वक्त बड़ी खबर हिसार से सामने आ रही है। हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के गेट के सामने छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में NSUI प्रदेश महासचिव विकास टाक व जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह रान के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के सचिव मनोज टाक ने कहा कि जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के विद्यार्थियों को मेजर प्रोडक्ट के नाम पर 4,000 रुपए जमा करवाने का फरमान जारी किया गया था, जिसका NSUI ने विरोध किया है। इसी को लेकर छात्रों ने ज्ञापन भी सौंपा है। विद्यार्थियों ने ज्ञापन के माध्यम से फीस वापस करने की मांग की थी, पर यूनिवर्सिटी ने फीस वापसी करने की जगह फीस को कम करके 1,250 रुपए कर दिया, जो कि नाजायज है, क्योंकि विद्यार्थियों को पूर्व में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। जो फीस गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जा रही है वो हरियाणा व भारत की किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है, और कोरोना काल में विद्यार्थियों से 1,250 रुपए लेना सरासर लूट का कार्य है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा यह लूट का कार्य किया जा रहा है। युवा कांग्रेस के सचिव मनोज टाक ने कहा कि जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के विद्यार्थियों को मेजर प्रोडक्ट के नाम पर 4,000 रुपए जमा करवाने का फरमान जारी किया गया था, जिसका NSUI ने विरोध किया है। इसी को लेकर छात्रों ने ज्ञापन भी सौंपा था। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट। आज का प्रदर्शन है JJU के द्वारा BCA फाइनल ईयर के बच्चों से मेजर प्रोजेक्ट 367 के नाम पर पहले इन्होंने 4,000 रुपये फीस का फरमान जारी किया। ये फीस पूरे हरियाणा में क्या पूरे भारत में कहीं नहीं है। ये फीस होती थी प्राइवेट कॉलेज है जो, जैसे ये ओम कॉलेज हो गया या जो भी सरकारी कॉलेज में, कहीं भी कोई प्रोजेक्ट के नाम पे फीस नहीं थी। इन्होंने 4,000 रुपये का फरमान जारी किया। फिर NSUI ने और छात्रों ने इसका विरोध किया, VC को ज्ञापन सौंपा। फिर इन्होंने क्या किया, 75% डिस्काउंट करते हैं ना, जो पहले 4,000 का डर दिखा दिया, फिर अब इन्होंने 1,250 रुपये बोल दिए। 1,250 रुपये ये यूनिवर्सिटी की तरफ से नाजायज़ फीस छात्रों से ली नहीं जा रही, वसूली जा रही है। छात्रों पे दबाव बनाया जा रहा है फीस भरने के लिए, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनको तो ये डर रहता है भी कल को ये पता नहीं क्या कर देंगे, टीचर्स है, यूनिवर्सिटी है, पता नहीं पेपरों में क्या, इस तरीके का डर दिखा के इनसे 1,250 रुपये भरवाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि सरासर गलत है, नाजायज है, सरासर लूट है। आपदा को अवसर बनाने का काम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के द्वारा BCA फाइनल ईयर के छात्रों से 1,250 रुपये लेके किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि जो 1,250 रुपये नाजायज फीस इन्होंने फरमान जारी किया है, उसको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए, और जो छात्र फीस भर चुके हैं उनकी फीस, उनको 1,250 रुपये तुरंत प्रभाव से उनको लौटाई जाए फीस। हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम यहाँ, चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े छात्र हितों के लिए, चाहे हमें बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम इस यूनिवर्सिटी को बच्चों के साथ लूट करने का मौका नहीं देंगे, लूट करने का अवसर नहीं देंगे और नहीं करने देंगे लूटिंग। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.